हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काठा न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप सकुशल होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूं, राष्ट्र संघ। कौन सी क्लास होगी? राष्ट्र संघ, क्योंकि आज ही के दिन राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, 10 जनवरी 1920। तो राष्ट्र संघ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। राष्ट्रसंघ, नेशन ऑफ लीग, ध्यान रखें आप, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 10 जनवरी 1920 को हुई। स्थापना कब हुई है? 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तथा ध्यान रखें, इसकी जो स्थापना हुई है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर, प्रथम युद्ध की समाप्ति पर। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 से 1918 तक चला था और इस युद्ध की समाप्ति पर अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार से दुनिया के अंदर बहुत जन धन हानि हुई थी और उनको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई है तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की पहल पर। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन था? वुड्रो विल्सन। ये वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, उनकी पहल पर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य ये था विश्व में शांति स्थापित करना। प्रमुख उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति स्थापित करना मेन इसका उद्देश्य था। उसी के आधार पर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। उस समय वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो जो बाइडन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखिए आप, राष्ट्र संघ से जुड़ी हुई और कोई खास बात तो देखिए आप, राष्ट्र संघ से और जुड़ी कोई खास बात है कि इसके अधिकतम कितने राष्ट्र बन गए थे उस दरमियान। तो ध्यान रखें 1938 तक इसके अधिकतम राष्ट्र 62 बन चुके थे। 62 राष्ट्रों ने इनकी सदस्यता ले चुके थे। तथा जब राष्ट्र संघ समाप्त हुआ उस दरमियान लास्ट में कितने राष्ट्र सदस्य शेष रहे? 43 सदस्य राष्ट्र रहे थे, ये ध्यान रखें। और राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वो पेरिस सम्मेलन के तहत हुई। कौन से सम्मेलन के तहत हुई? पेरिस सम्मेलन के तहत। और जो राष्ट्र संघ समाप्त हुआ था वो यूएनओ की जो स्थापना हुई है 1945, उसके बाद राष्ट्र संघ लगभग क्या हो गया? समाप्त। लेकिन पूर्णतः राष्ट्र संघ का अस्तित्व जो समाप्त हुआ है वो 1946 के अंदर। और राष्ट्र संघ के बाद दुनिया का जो सबसे बड़ा संगठन बना वो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रमुख उद्देश्य था, जिस प्रकार से राष्ट्र संघ का था वही उनका उद्देश्य, विश्व में शांति स्थापित करना और विश्व के अंदर जो पिछड़े राष्ट्र उनका उत्थान करना। यूएनओ वर्तमान में भी अस्तित्व में, ध्यान रखें आप, राष्ट्र संघ अलग है और संयुक्त राष्ट्र संघ अलग है। अगर राष्ट्र संघ के मुख्यालय की बात करें, राष्ट्र संघ का मुख्यालय तो कहाँ है? जेनेवा। राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा बहुत सारे संगठनों का मुख्यालय है, ध्यान रखें आप, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन सबका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपको ध्यान रखना है अलग है और संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन भी अलग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ आता है? अमेरिका। तो ध्यान रखें आप, राष्ट्र संघ फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति पर दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना हुई। और यूएनओ की जो स्थापना हुई है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तहत विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी, जो आपको याद रखना है आज स्थापना का डेट था। इसी कारण ये मैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया, मुझे पूरा विश्वास आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम निरंतर आपके लिए क्लासें उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।